नमस्कार दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ईशान इस समय बहुत ज़्यादा समझाता हुआ नज़र आ रहा है ध्रुवा को। जी हाँ, अपनी बहन ध्रुवा को समझा रहा कि ध्रुवा तुझे तो खुश होना चाहिए कि वाकई में तेरी शादी ऐसे बंदे के साथ में टूट चुकी है जो वाकई में इस घर में और तेरी लाइफ में डिजर्व नहीं करता है। आप लोग जानते ही हैं कि समय ध्रुवा बेहद ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही है कि उसकी शादी टूट चुकी है और ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ ईशान की वजह से हुआ है। और ईशान की वजह के साथ साथ में ये सब कुछ आखिरकार आप लोग जानते ही हैं कि सभी ने किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोल दिया है ईशान ने कि ध्रुवा तुम्हें मेरा नहीं बल्कि इस समय सभी का थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखो इस चीज़ को कि कितनी अलग तरीका से सिवी ने बिना किसी के फिक्र करे हुए आखिरकार वो डटी रही और सब लोग उसे भगा रहे थे, फिर भी वो डट गए और उसने पूरे का पूरा काम करके ही मानी। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर बेहद ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है आखिरकार ईशान, और ईशान ने बोल दिया है कि मुझे वाकई में बेहद अच्छी लड़की लगी सिवी, क्योंकि सिवी आखिरकार उसकी वजह से ही तुम सुरक्षित हो पाई हो। आप लोग जानते हैं कि सिवी ने जो किया है वो बिल्कुल बढ़िया किया है, किसी की ज़िंदगी को किसी के साथ में होने से बचा लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्रुवा बार बार ब्लेम करती हुई नज़र आ रही है आखिरकार उसी लड़की सिवी को, क्योंकि दोस्तों सिवी ने आखिर कुछ ऐसा किया भी नहीं है और उल्टा इनका भला ही किया है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।